एकदम नॉन स्क्रिप्टेड है, नॉन नथिंग है, तो प्लीज़ अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। तो मैं जो बोलने वाला हूँ उसके आगे मैं फ़्रेश होना चाहता हूँ, तो मैं फ़्रेश होकर आता हूँ तो सुनने में ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा लाइक्स आएंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे, ज़्यादा शेयर होंगे, तो मैं आता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, चेहरा साफ़ हो चुका है, दांत साफ़ हो चुके हैं, तो अच्छी बातें अभी किया जा सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे थे कि आज 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो वही इसी बात के लिए हमने प्रॉपर वीडियो बनाने की सोची, तो हम ये शॉर्ट शूट कर रहे हैं। मुझे बहुत नींद आई है, आ रही है, और कल हम थोड़ा बाल काटेंगे, दाढ़ी काटेंगे। तो अगर आपको कुछ कुछ टिप्स चाहिए कि बाल कैसे लंबे करें, घर में कैसे बनाएं बालों के लिए कुछ भी, तो वीडियो देखते रहिए। अभी रहते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। और अगर आपको चाहिए थोड़ी बहुत टिप्स कि लंबे बाल कैसे करें या फिर हैंडसम कैसे बने भाई की तरह, तो देखते रहिए। ओके, आई वॉन्टेड टू मेक सम टाइम लैप्स, बट दिन बहुत बढ़िया है, लिटरली धूप तक नहीं है यार। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कल वाला टाइम लैप्स डाल दूँ जो मैंने इंस्टाग्राम में डाला था। और अगर आपने इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ सेम यूज़र नेम है, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं ही मिलूँगा, दूसरा कोई होगा नहीं। तो गाइज, मैं गया था बाल काटने के लिए, तो अटक से मम्मी ने फ़ोन किया और मम्मी ने बोला कि आज ट्यूसडे है, आज तुम्हारा जन्मवार है, तो बाल मत काटो। तो मैं नहीं काटा, वही है, कल काट लेंगे, कोई बात नहीं है। तो जो भी हो, और एक आंसर आपसे मुझे चाहिए। मैं जब नींद से उठता हूँ सुबह, तब मैं नींद में होता हूँ, ठीक है, ब्रश करने के बाद भी नींद में होता हूँ, नहाने के बाद में भी नींद में होता हूँ, दिन ख़त्म हो जाता है फिर भी मैं नींद में ही होता हूँ, पर जब सूरज ढल जाता है तब पता नहीं क्यों एनर्जेटिक हो जाता हूँ, बहुत एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर, पता नहीं क्यों कैसे, मतलब तब नींद चला जाता है बेसिकली, और रात को नींद नहीं आता, इसीलिए मैं रन लेता हूँ रात को, ताकि मैं जल्दी सो सकूँ और जल्दी उठ सकूँ, वही है। तो मुझे लगता है कि मैं इस टाइप का एक अकेला लौता इंसान हूँ, तो इसलिए अगर आपको भी ऐसा होता है तो प्लीज़ यार कमेंट कीजिए और लेट मी नो दैट कि तुम्हारा भी ऐसा होता है। बाय द वे, माइक यहाँ पे लगाया गया है क्योंकि साउंड क्वालिटी का दिक्कत हमें सुनने को आया है, कि कोई कोई है जो मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, तो आप सुन लीजिए मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से। अभी मतलब बस वही था, और मैं कल दाढ़ी काटूंगा, पता नहीं, मुझे तो देखने में अगली लग रहा है। मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा ना, मुझे पता है। तो गाइस, मैं भूल गया था कि मुझे कुछ कुछ टिप्स बतानी है कि बाल लंबे कैसे करें और हैंडसम कैसे बने बेसिकली। नंबर वन, जो बाल लंबे वाला केस है, अगर आपको हेयर फॉल है तो आप कम से कम शैम्पू करें, और बस वही है, और हफ्ते में एक बार तेल लगाएं, अच्छा वाला तेल, मैं रिकमेंड करूँगा कोकोनट ऑयल और समथिंग एल्स दैट जो आप पे सूट करे, जो सूट नहीं करता वो मत यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपको हार्म ही करेगी। जैसे मुझे बजाज आमंड ड्रॉप सूट नहीं करता, वो लगाने से मेरे बाल झड़ते हैं, तो मैं वो नहीं लगाता। और दूसरा बार हैंडसम बेसिकली दुनिया में कोई भी हैंडसम नहीं होता या फिर खूबसूरत नहीं होता, मेनली आपको अपना सूटेबल स्टाइल चूज़ करना है, जिस पे जो स्टाइल सूट करता है वो उसमें हैंडसम या ब्यूटीफुल लगता है। तो आप अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना कीजिए क्योंकि आप खूबसूरत नहीं है या फिर हैंडसम नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, आप जिसमें कम्फर्टेबल है वही पहने, कुछ भी कीजिए, आप खुश रहें, वो ज़्यादा मैटर करता है, हैंडसम ब्यूटीफुल से कुछ नहीं होता है। APJ अब्दुल कलाम हैंडसम नहीं थे, लेकिन बहुत सक्सेसफुल आदमी थे, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे टाटा अंबानी, उनके ओनर भी हैंडसम नहीं है, जैसे शाहरुख खान और ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन वैसे हैंडसम है वैसे
मुझे शाहरुख खान ज़्यादा पसंद है। कोई भी आदमी अपने काम से जाना जाता है, अपने फेस से नहीं। एक्टर एक्ट्रेस हाँ पता है, बट हाँ वो भी अपने काम के वजह से जाने जाते हैं, उनके फेस से कुछ नहीं होता। गैंग्स ऑफ वासेपुर के क्या नाम था उसका, बहुत ऐसे एक्टर हैं जो हैंडसम नहीं है लेकिन अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल थे या फिर हैं। नसीरुद्दीन शाह बहुत सक्सेसफुल अभी भी हैं वैसे। हाँ आप किसी से भी अपना कंपैरिजन मत कीजिए, तो आप हमेशा खूबसूरत सोचेंगे खुद को, और किसी से कम मत सोचिएगा। बराबर हैं, सब बराबर हैं। हो सके तो खुद को उस बराबर से लिफ्ट करने का कोशिश कीजिएगा, बस वही आपका लाइफ का सक्सेसफुल होने का की होगा। डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि ये हैंडसम वर्ड को चेंज करके सूट बना दिया जाए, क्योंकि डिमोटिवेट ज़्यादा होते हैं दूसरे आदमी। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो ऐसा करता। भाई और बहनों, आज नवंबर 15 है और आज रात 12 बजे के बाद हैंडसम और ब्यूटीफुल जैसे वर्ड इस कंट्री में नहीं बोले जाएंगे। वो वर्ड चेंज करके सूट कर दिए जाएंगे।